स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज हम एसएससी सीएचएसएल 2019 का जीके प्रैक्टिस सेट 9, जिसके अंदर हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर अब तक आपने स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन पर क्लिक करना भी ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप के रास द्वीप का नाम क्या रखा गया? इसके चार ऑप्शन है, स्वराज्य द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप या फिर आजाद द्वीप। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप सभी को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस द्वीप। दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप के रास द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के श्रद्धांजलि स्वरूप 30 दिसंबर 2018 को अंडमान व निकोबार के 3 द्वीप समूह यानी कि रास द्वीप, नेल द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम क्रमशः सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप तथा स्वराज द्वीप कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन फैमिली वन जॉब शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? इसके चार ऑप्शन है, गुजरात, मेघालय, सिक्किम या फिर महाराष्ट्र। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सिक्किम। वन फैमिली वन जॉब शुरू करने वाला राज्य सिक्किम राज्य है। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य में प्रत्येक परिवार के लिए एक नौकरी, प्रत्येक परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी आवंटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में ही यूरेनियम का आयात के लिए किस देश से समझौता संपन्न किया है? इसके चार ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया से, उज्बेकिस्तान से, कनाडा से या फिर रूस से। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि उज्बेकिस्तान से। भारत ने हाल ही में ही यूरेनियम के आयात के लिए उज्बेकिस्तान देश से समझौता संपन्न किया है। भारत ने यूरेनियम के आयात के लिए 18 जनवरी 2018 को उज्बेकिस्तान से समझौता किया। ये समझौता वाइब्रेंट गुजरात महोत्सव के दौरान उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ही किस महिला खिलाड़ी ने सर्वाधिक वनडे मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? इसके चार ऑप्शन है, सूजी बेटस ने, स्मृति मंदाना ने, मिताली राज ने या फिर अन्य सुरूप सोले ने। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मिताली राज ने। हाल ही में ही महिला खिलाड़ी मिताली राज ने सर्वाधिक वनडे मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। मिताली राज ने भारत और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच सीरीज के तीसरे और अंतिम वनडे में भारत की ओर से अपने करियर का 200वां वनडे क्रिकेट मैच खेला। इसके साथ ही वह 200 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की प्रथम महिला खिलाड़ी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? इसके चार ऑप्शन है, अविनाश दीक्षित, अमित मिश्रा, अमर्त्य सेन या फिर अभिजीत बनर्जी। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अमर्त्य सेन। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन है। अमर्त्य सेन की बात करें तो अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले और भी अन्य भारतीय एवं भारतीय मूल के
व्यक्ति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपने प्रथम प्रयास मंगल के कक्ष में अंतरिक्ष यान को स्थापित किया? इसके चार ऑप्शन है, रूस ने, चीन ने, भारत ने या फिर यूएसए ने। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि भारत ने। भारत देश ने मंगल ग्रह पर अपने प्रथम प्रयास मंगल के कक्ष अंतरिक्ष यान को स्थापित किया। मंगल यान को भारत ने 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा शुरू किया गया। ये भारत का पहला अंतर प्लानिटरी मिशन था, जो कि 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है? इसके चार ऑप्शन है, क्लोरोफिल, मेलेनिन, रोडोप्सिन या फिर हीमोग्लोबिन। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि हीमोग्लोबिन। मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन मानव शरीर के लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाने वाला लोह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन है। आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन के हिम नामक पिगमेंट पदार्थ द्वारा होता है, इसीलिए मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? इसके चार ऑप्शन है, सीरम, एमाइलेज, एक ग्लोब्यूलिन, फेब्रिनोजन या फिर एक अल्बुमिन। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि फेब्रिनोजन। फेब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन रुधिर के कैल्शियम आयन से क्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है। फाइब्रिन बारीक एवं कोमल तंतुओं का जाल होता है। ये जाल इतना बारीक होता है कि आरबीसी इसमें फंस जाती है और एक लाल ठोस पिंड बना देती है, जिसे रुधिर का थक्का कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कोशिकीय जड़ों से पौधों एवं अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? इसके चार ऑप्शन है, फ्लोएम, वाहिका, चालनलिका या फिर जाइलम। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जाइलम। जाइलम कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है। जाइलम की बात करें तो जाइलम जड़ों से अन्य भागों तक जल का संवहन करती है। जाइलम उत्तक पौधों के जड़ तथा तना एवं पत्तियों में पाया जाता है और ये विभिन्न प्रकार के धातुओं से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रयोग पीने का पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? इसके चार ऑप्शन है, बेकिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा का, बेकिंग पाउडर का या फिर ब्लीचिंग पाउडर का। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है, इसे विरंजक चूर्ण अथवा ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इससे क्लोरीन की तीक्ष्ण गैस निकलती है, पानी को शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे गहरी समुद्री खाइया किस महासागर में पाई जाती है? इसके चार ऑप्शन है, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में या फिर अटलांटिक महासागर में। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में सबसे गहरी समुद्री खाइया पाई जाती है। प्रशांत महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर में सबसे गहरी खाइया पाई जाती है। सबसे गहरी खाई है मेरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई है 11,034 मीटर। सुंडा गर्त हिंद महासागर की तथा
प्यूटरिको अंटार्कटिक महासागर की सर्वाधिक गहरी खाइयां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसके चार ऑप्शन है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर एकीकृत आंध्र प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। गलत शायद हो, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कर्नाटक में। कर्नाटक में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक की बात करें तो भारत में सर्वाधिक कॉफी दक्षिण भारत में उगाई जाती है, जिसमें से कर्नाटक 71%, केरल में 21% और तमिलनाडु में 5% का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का अत्यंत उष्ण ग्रह कौन सा है? इसके चार ऑप्शन है, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह या फिर चंद्रमा। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे उष्ण ग्रह है। शुक्र ग्रह की बात करें, शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है और ये प्रत्येक 224.7 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। यह ग्रह सौरमंडल का अत्यंत उष्ण ग्रह है, क्योंकि शुक्र ग्रह पर अनेक गतिविधियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने मूल अधिकारों की गारंटी देता है? इसके चार ऑप्शन है, 7 अधिकारों की, 3 अधिकारों की, 5 अधिकारों की या फिर 6 अधिकारों की। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 6 अधिकारों की। भारतीय संविधान 6 मूल अधिकारों की गारंटी देता है। मूल अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। पहले इनकी संख्या 7 थी, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया और अब इनकी संख्या 6 रह गई। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलते हैं हमारे अगले SSC CHSL 2019 के GK प्रैक्टिस सेट 10 में। तब तक के लिए थैंक यू।